दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है वीके लर्निंग में। आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत से ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC, बैंकिंग, रेल या कोई भी अदर कंपटीशन का एग्जाम में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले उसका हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानते हैं। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। फिर दूसरा फार्मूला है दर बराबर, तो दर बराबर जो फार्मूला होता है वो हो जाता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। फिर साधारण ब्याज, फिर दर, फिर तीसरा नंबर है समय बराबर। तो समय बराबर जो फार्मूला हो जाता है वो है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना मूलधन। फिर अगला फार्मूला है मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर हो जाता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। फिर मिश्रधन बराबर हो जाता है मिश्रधन घटा मूलधन, सॉरी मिश्रधन बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो दोस्तों यहां तक था साधारण ब्याज का फार्मूला। मतलब अगर हमको साधारण ब्याज निकालना हो तो हम ये फार्मूला करेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अगर दर निकालना है तो दर का फार्मूला यूज करेंगे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अगर दे दिया है समय बराबर ज्ञात करें तो समय का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना मूलधन। तो अगर मूलधन ज्ञात करने के लिए अगर दिया जाता है तो हम ज्ञात करते हैं ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। और अगर मिश्रधन बराबर ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा मूलधन जोड़ ब्याज। तो आइए अब इसका प्रश्न पर कुछ चर्चा करते हैं। तो पहले इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 500 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है हम पहले लिख लेते हैं, मूलधन बराबर 500, दर बराबर 4%, समय बराबर 2 वर्ष। अब इसका फार्मूला का यूज करते हैं, तो फार्मूला हो जाता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन बराबर 500 दिया है और समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 4% बटे 100। तो 100 कट गया, अब गुना कर देते हैं 5 × 2 = 10 और 10 × 4 = 40। तो इसका आंसर निकल जाएगा 40 आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया 3 वर्ष में 744 रुपया हो जाएगा। तो इसमें पहले जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो इसमें पहले दिया है मूलधन बराबर, तो इसका लिखते हैं पहले मूलधन बराबर जो दिया है 600 रुपया। फिर समय बराबर जो दिया है 3 वर्ष, तो हम पहले लिख लेते हैं समय बराबर दिया है 3 वर्ष। फिर दिया है मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन बराबर दिया है 744 रुपया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो जो दिया था वो पहले हम लिख लिए, अब इसका देखते हैं क्या। तो इसमें ज्ञात करना है दर बराबर, तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो मतलब हमको दर बराबर ज्ञात करना है। तो इसमें हम दर का फार्मूला लगाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम ब्याज का पता करते हैं कि आखिर इसमें ब्याज कितना दिया है, क्योंकि इसमें दर का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो मूलधन बराबर दिया है, समय बराबर दिया है, मिश्रधन भी दिया है, मतलब इसमें ब्याज नहीं दिया है। तो हम पहले ब्याज ज्ञात करते हैं, तो ब्याज हम ज्ञात करेंगे तो ब्याज बराबर हो जाता है यहाँ पर मिश्रधन घटा मूलधन। तो मिश्रधन यहाँ जो दिया है वो है 744 और मूलधन जो दिया है 600 रुपया। तो ब्याज बराबर जो निकलेगा, तो ब्याज बराबर जो निकलेगा वो हो जाएगा 144 रुपया। अब यहाँ हम इस पर आसानी से बैठा सकते हैं ये फार्मूला पर,
तो ब्याज का मान जो मेरा निकला 144 और 100 बटे मूलधन, तो मूलधन जो है जो कि 600 रुपया दिया है और समय है जो कि समय 3 वर्ष दिया है। अब इसको हल करते हैं, ये 100 100 कट गया, यहाँ पर 6 बचा है, तो देखिए 3 और ये 48 बार में हमने काट दिया, फिर 48 और 6 तो इसका आंसर हो गया 8%। तो मेरा दर बराबर जो निकला 8%, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था, जो कि कंपटीशन में या कोई भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसा ही क्वेश्चन। तो आइए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें समय ज्ञात करना है, जो कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था दर बराबर ज्ञात करना था, तो इस प्रश्न में है कि समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि समय का फार्मूला क्या होता है। तो समय बराबर जो फार्मूला होता है, पहले समय बराबर हम फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो आइए अब हम देखते हैं कि ब्याज मूलधन और दर कैसे पहले ज्ञात होता है, उसके बाद हम ये फार्मूला का यूज करते हैं। पहले इसमें मूलधन नहीं दिया है, तो इसमें हमको मूलधन कोई भी राशि को मान सकते हैं, कि जैसे हम माना कि मूलधन बराबर 100, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर 100। तो कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, तो मूलधन जो है 100 हम माने तो इसका मिश्रधन हो जाएगा 2 गुना। तो इसका हम लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर 2 गुना 100 बराबर 200, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अब जो कि दिया है 10%, तो दर बराबर जो है 10% दिया है। फिर अब इसका सबसे पहले हम ब्याज, इसमें ब्याज जो दिया है सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे, तो ब्याज बराबर हो जाता है मिश्रधन घटा मूलधन। तो मेरा मिश्रधन निकल गया है 200 और मूलधन है 100, जो कि हमने माना है, तो इसका हो जाएगा ब्याज बराबर 100। अब हम समय का फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम फार्मूला पर बैठाते हैं। तो समय बराबर जो हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज बराबर जो कि निकला है मेरा 100 और 100 बटे मूलधन भी दिया है 100 और दर बराबर जो दिया है 10, तो ये सो कट जाएगा, ये 10। तो ज्ञात हमको क्या करने के लिए कहता दोस्तों, तो समय बराबर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समय बराबर 10 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ तक था समय ज्ञात करने के लिए प्रश्न। आइए अब हम आगे की ओर प्रश्न जाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। तो इसमें हमको ज्ञात करना है मूलधन बराबर। पिछले प्रश्नों में हमने दर बराबर ज्ञात किया था और समय बराबर ज्ञात किया था, अब यहाँ आ गया है मूलधन ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम मूलधन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, समय गुना दर। तो ये मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया है पहले दर बराबर दिया है जो कि 12% है, फिर समय बराबर दिया है, समय बराबर दिया है 5 वर्ष, फिर ब्याज, फिर ब्याज बराबर है जो कि 400 रुपया दिया गया है। फिर अब जैसे मूलधन ज्ञात करना है तो समय ब्याज दिया है, समय और दर तीनों हमें दिया है, तो फिर आप ज्ञात करेंगे। तो अभी फार्मूला पर देखिए बैठाते हैं। तो ब्याज है 400 गुना 100
बटे, जो कि समय दिया है तो समय दिया है 12 वर्ष और दर दिया है 5। तो ये दोस्तों इसको हल किए, 12 दो से काटे तो 6 बार में कटा, 200 हो गया यहाँ पर, फिर 2 से काटे 100, 300, फिर 200 × 1000 तो हो गया 20 × 100 तो 2000/3 666.6 इसका जो कि आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक था साधारण ब्याज का फॉर्मूला और उससे संबंधित प्रश्न। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का नए नए वीडियो लाते रहता हूँ।